नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न के ऊपर हायर हाई लगते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, वहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। दोस्तों, एक समय में स्टॉक 331 रुपये के आसपास हुआ करता था, उसके बाद जब स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली तो लगभग 1 रुपये का लो लगा। यहाँ पे पैनी कैटेगरी का स्टॉक हुआ करता था, वापस से टर्न अराउंड यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की ट्रेडिंग सेशन में 5% के अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिले, अभी ये 34.54 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सब सारी चीज़ों को एक एक करके हम बारीकियों से देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आईएफएल और सेमको का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी अपने डेप्ट को कम करते हुए जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस पावर की स्थापना भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली परियोजनाओं के विकास, निर्माण और संचालन के लिए की गई थी। कंपनी के पास अपने और अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जो संचालन में है और साथ ही विकास के अधीन में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो कंपनी की उत्पादन क्षमता 5,945 मेगावाट है, जिसमें 5,760 मेगावाट थर्मल क्षमता और 185 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा आधारित क्षमता शामिल है। दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंस की बात करूं, 35.69 का है, सेकंड रेसिस्टेंस की बात करें 36.83 का है, थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें 37.41 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 33.97 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 33.39 का है, अगर वहीं पे थर्ड सपोर्ट की बात करें 32.25 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं, तो एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे, सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, 13,887 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पीई रेशियो 0.00, डिविडेंड यील्ड 0.00, बुक वैल्यू की बात करें 28.91 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 1.20 का है, आरओसी की बात करें 5.50% का है, आरओई की बात करें -17.81% का है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे फंडामेंटल भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नज़र इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 1 वीक में लगभग 16% का रिटर्न, 1 महीनों में 20%, 3 महीनों में 28%, 6 महीनों की बात करें 19.93% का रिटर्न, बीते 9 महीनों में लगभग 90%, बीते 1 सालों में 90%, 2 सालों की बात करें तो 160%, और अगर 3 सालों की बात करें तो 173%, बीते 4 सालों में 901% का, और 5 सालों में देखेंगे तो 821% का जबरदस्त रिटर्न रिलायंस पावर ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को पढ़ालेंगे तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं, 23.24% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें तो 8.18% की होल्डिंग है, FII की बात करें 7.59% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 60.98% की होल्डिंग है, अगर हम वहीं पर गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए, अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हायर हाई लगते हुए दिखाई दिए हैं, और एक तरह से कह लीजिए तो W पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये एक अच्छा साइन है, और आने वाले दिनों मुझे लगता है यहाँ से 50, 55 और 60 के टारगेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सारी चीज़ों को जब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तब वो सारी चीज़ें और समझ में आएंगी। अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ से एक बाइंग का मौका मुझे लगता है, अगर आप निवेश के पर्पज से कोई स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो रिलायंस पावर काफ़ी बेहतरीन होगा, जो कि आने वाले दिनों में आप लोगों को एक जबरदस्त मुनाफा देता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए, अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ तो सारी चीज़ें और भी क्लियर समझ में आ जाएंगी।
आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है। आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ के हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 25 रुपए का हाई हुआ करता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, 5 सितंबर 2022 को आप देखेंगे तो 25 रुपए का हाई लगा था। उसके बाद से निरंतर से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 27 मार्च 2023 में इस स्टॉक ने लो लगाया 9.05 रुपये का। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है दोस्तों, जो क्रॉस लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो दोस्तों इसी को एज ए सपोर्ट ये फॉलो करता है। स्टॉक एक बाउंस बैक दिखाता है, वापस इसी को सपोर्ट लग के वापस एक बाउंस बैक। तो दोस्तों जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है तब तक अप ट्रेंड में है, और आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल। कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।